वेलकम टू टेली न्यूज़ 24। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीरियल अपने टाइम भी आएगा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जहां पर अब रानी फंस गई है रामू काका और वीर के बीच। जी हां, दरअसल यहां पर आप देखेंगे कि वीर को सब कुछ याद आ जाता है, क्योंकि यहां पर रानी बातों बातों में वीर को सब कुछ बता देती है। लेकिन तब यहां पर अचानक रानी को पता चलता है कि उसने डॉक्टर साहब को सब कुछ बता दिया है, जिसकी वजह से रानी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और गुस्सा भी हो जाती है। इसलिए यहां पर वो वीर की किसी भी बात को सुने बिना ही वहां से चली जाती है। लेकिन यहां पर वीर भी हार नहीं मानता है, वो रानी से माफी मांगने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और उसके पैर में गिरकर उसके सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है कि वो उसे माफ कर दे, क्योंकि उसे सब कुछ याद आ गया है, क्योंकि उसे उनकी सारी यादें याद आ गई है, उसे सब कुछ पता चल गया है। लेकिन यहाँ पर रानी को वीर पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर रानी को ये लगता है कि वीर ने क्यार से शादी कर ली है और रानी को बार बार वही पल याद आता है जहाँ पर वीर क्यार के साथ शादी करके आया था। इसलिए यहाँ पर रानी की नाराजगी वीर से खत्म नहीं होती है। लेकिन फिर जब वीर रानी के सामने काफी ज्यादा इमोशनल होने लगता है तो यहाँ पर रानी का दिल धीरे धीरे पिघलने लगता है। लेकिन तब यहाँ पर रामू काका रानी को समझा देते हैं कि वो कुंवर सा यानी वीर से कोई भी रिश्ता ना रखे, क्योंकि जब से उन्होंने रानी सा का असली चेहरा देखा है, रानी के लिए उनकी नफरत देखी है, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि वो रानी के साथ कुछ भी कर सकती हैं। भाई अब ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या यहाँ पर रामू काका के खिलाफ जाकर रानी थामेगी वीर का हाथ। देखना दिलचस्प रहेगा। सिर्फ अपना टाइम भी आएगा जुड़े से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।